ये इनकी सच्चाई है। देश को बांटना, देश को चुनाव जीतने के लिए कोई भी स्टंट ला देना, सबको पता है कि जो कश्मीरी पंडित वहां से पलायन हो गए, जो वहां के मूल रहने वाले थे उनको वहां से भगा दिया गया, उस समय किसकी सरकार थी। अभी तो आप बांग्लादेश का इतना देख रहे हैं, हर जगह का देश, इसके बाद भी कोई अगर बोले 370 खत्म कर दें तो हम भारतीयों के लिए तो बेकार है। पत्थरबाजी और ये सब फिर से चालू हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये कर अमन चैन से रहने के लिए सब है, वहाँ की पब्लिक से आप जब बात करोगे तो वो इन सब चीज़ों से हटके वो बस यही शांति सुकून की ही बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। उमर अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर अपना एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें इस पार्टी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो 370 यानी आर्टिकल 370 जिसे मोदी गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिया था और 35A को फिर से बहाल कर देगी। अब इस घोषणा के बाद से सियासी पारा हाई है। अब आम जनता इसको लेकर क्या कुछ सोचती है, आम जनता के मन में क्या है, जनता क्या कुछ कहना चाहती है, तो जनता के साथ ही बात करके आपको तमाम चीजों जैसे जनता के मन में क्या है वो सब आपको बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है। चंदन जी, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ की एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला को आप जानती होंगे, तो उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र में ये कहा है कि उनकी पार्टी जो है अगर सत्ता में आती है तो 370 को फिर से बहाल कर देगी। नहीं तो उमर अब्दुल्ला और उनके जो पिताजी हैं ये लोग जम्मू कश्मीर में एक लंबे वक्त तक इन्होंने दुकान चलाई और उसमें मैं दोषी इनको नहीं मानता, कुछ केंद्र सरकारें थी पूर्व की उनको भी मैं दोषी मानता हूँ। और इनसे ये बात कौन पूछ रहा है कि 370 आप फिर से लागू करिए, धारा 370 कौन कह रहा है? जम्मू कश्मीर के लोग तो अमन चैन से हैं, वो तो खुश हैं और उनकी मांग थी वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, मोदी जी ने उसको भी कर दिया, भारत सरकार ने, चुनाव होने जा रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला से कौन पूछ रहा है कि आप धारा 370 लागू करिए, जरूरत ही नहीं है। ये केवल इनकी जो जहनियत है वो सामने आ रही है, लोगों को बरगलाना, धारा 370 के नाम पे जम्मू कश्मीर को पीछे ले जाना, ये कौन किया, पत्थरबाजों को कौन प्रोत्साहित किया? तो ये इनके शासन में पत्थरबाजी होती थी, आतंकी घटनाएं होती थी, अब पत्थरबाजी अब सुन रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये बोल रहे हैं 370 लागू करेंगे, वो तो कोई चाहता ही नहीं है, ना तो जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है ना देश की आवाम चाहती है। तो ये केवल एक आखिरी रोटी सेक रहे हैं अपनी, समझ रहे हैं आप, पॉलिटिकल रोटी। नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है, नामांकन भी शुरू हो गया है, तो अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप देखिए रोड हो चाहे रेलवे हो चाहे हॉस्पिटल्स हो चाहे एम्स हो चाहे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो चाहे युवाओं के रोजगार हो चाहे सुरक्षा हो शिक्षा हो, आप किसी भी स्तर पर जम्मू कश्मीर में जाके देखिए बेहतर काम हो रहा है, बीते 10 सालों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ और लोगों को वहाँ रोजगार और उनके विकास से मतलब है। धारा 370 लागू होने से क्या स्थितियां फिर बिगड़ेंगी, फिर लोग आपस में लड़ेंगे, फिर तनाव होगा देश के तमाम लोगों के मन में एक भेदभाव पैदा किया जाएगा कि नहीं जम्मू कश्मीर अलग है, संविधान अलग है, ये अलग है। तो ये सब चीज इनसे कौन बोल रहा है? ये इनकी सच्चाई है। देश को बांटना, देश को चुनाव जीतने के लिए कोई भी स्टंट ला देना, अब बोल रहे हैं आप जैसे आपके माध्यम से पता चला कि बोल रहे हैं 370 लागू करेंगे, क्या जरूरत है 370 लागू करने की, कोई जरूरत है? अच्छा, जैसे इस बयान के आने के बाद से बीजेपी ने विरोध दर्ज किया है, पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस उस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, कांग्रेस कोई दूध की धूली तो है नहीं, सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात खराब हुए उसके पीछे कौन था, सबको पता है कि जो कश्मीरी पंडित वहां से पलायन हो गए, जो वहां के मूल रहने वाले थे उनको वहां से भगा दिया गया, उस समय किसकी सरकार थी, यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने रोकने की जहमत नहीं उठाई। तो ये किसी से छिपा नहीं है, आज कांग्रेस नहीं बोल रही है, वो भी पॉलिटिकली उसमें खेलना चाहते हैं, कुछ उनका भी स्वार्थ होगा तभी तो नहीं बोल रहे हैं, नहीं विरोध दर्ज कराना चाहिए ना। अब जो भी आएगा काम करेगा और आज मोदी जी टिके हैं तो अपने काम की बदौलत टिके हैं, उन्होंने करके दिखाया है, कश्मीर में बदलाव हुआ है, आप जाइए देखिए। मैं तो अभी हाल में गया था और देखता रहता हूँ लगातार टीवी पे, तो कितना बदलाव हो रहा है। अगर विपक्ष को अच्छा नहीं लगा, अगर विपक्ष उसमें को लग रहा है तो आपत्ति करे विपक्ष, क्यों नहीं आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि वहां विकास सच में हो रहा है, ये आपत्ति भी नहीं कर सकते, नहीं गलत बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं।
आप जाके देखो, आप तो मीडिया पर्सनालिटी हो, कहीं भी जा सकते हो, जाके देखो। देखिए ये आम जनता की राय है, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। भैया 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है? बहुत ज्यादा, सत्ते में आएगी ही नहीं वो, ये भी डन है। अभी तो आप बांग्लादेश का इतना देख रहे हैं, हर जगह का देश, इसके बाद भी कोई अगर बोले 370 खत्म कर दें तो हम भारतीयों के लिए तो बेकार है। एक और बयान आया, उन्होंने ये कहा कि 370 के निरस्त होने के बाद से पुलिस जो है आम जनता पर अत्याचार कर रही है, ये उमर अब्दुल्ला का बयान है। वो बोल ही सकते हैं, देखिए जो विपक्ष को विरोध करना है तो कुछ ना कुछ तो कमियां निकालता ही रहेगा। क्या नाम है सर? लक्की मलिक। सर जम्मू कश्मीर में जैसा कि आपको मालूम होगा कि चुनाव होने वाले हैं, वहाँ की एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें उसने बकायदा ये कहा कि अगर उसकी पार्टी सत्ता में आती है तो 370 को, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिया था, उसे वो फिर से लागू करेगी। तो एक जनता के तौर पे इनका यह कथन और घोषणा पत्र ऐसा जारी करना, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत है, जैसे यही लोग करा रहे हैं पत्थरबाजी और ये सब फिर से चालू हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये गलत नहीं होना चाहिए। नहीं। अच्छा 370 के निरस्त होने के बाद से वहाँ पर बदलाव हुए हैं, वहाँ पर तरक्की हुई है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, आप देख ही सकते हैं, आज टूरिज्म जा रहा है वहाँ पे, लेकिन इतने साल तक बंद था वो। क्या नाम है भैया? मिराज अहमद। अच्छा मिराज जी, जम्मू कश्मीर में 370 जब से निरस्त हुआ तो वहाँ पर बदलाव आपको देखने को मिला है? हाँ वहाँ तो बदलाव आया है, काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले जिस हिसाब से होता था, चाहे आतंकी घटना हो या फिर पत्थरबाजी हो, तो ये सब चीज़ें तो अभी सुनने को नहीं मिल रहा है। बाकी 370 का फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान तो कोई दिख नहीं रहा है। यानी 370 हटने का फ़ायदा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक भी जो है वो जा रहे हैं, इकोनॉमी भी बहुत डेवलप हो रहा है, सरकार काम भी कर रही है, ठीक है। अच्छा वहाँ पे एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि चुनाव वहाँ पे होने वाले हैं जैसा आपको भी मालूम होगा, तो उसने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया और उसने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो वहाँ पर 370 जो निरस्त हो चुका है उसे फिर से लागू कर देंगे। अब इस पर आपका क्या कहना? नहीं ये तो फिर दोबारा लागू करने का कोई मतलब बनता नहीं है, कि जो चीज़ एक बार हो गया फिर उसी चीज़ को दोबारा आप लागू करोगे फिर से माहौल ख़राब होगा। तो ये चुनावी स्टंट है, लोगों का अपना अपना बयान है। वैसे ये केंद्र सरकार के अधीन में है तो ये फिर केंद्र सरकार ही कुछ कर पाएगी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनके बयान से कोई फ़र्क पड़ेगा। वहाँ की लोगों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहाँ की पब्लिक वो खुद समझदार और खुद करेगी जो डिसीजन है। अच्छा वहाँ पे जैसे 370 जब से हट गया, जैसे आपने बताया अभी कि पत्थरबाजी की घटनाएँ अब नहीं होती हैं, तो एक आम जनता के तौर पर आपको वहाँ पर शांति दिखती है ना 370 हटने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे देश में अलग अलग तरह के अलग अलग लोग हैं, जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अमन चैन से रहने के लिए सब हैं, वहाँ की पब्लिक से आप जब बात करोगे तो वो इन सब चीज़ों से हटके वो बस यही शांति सुकून की ही बात करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये तीन बयान देना और फिर से लागू करने वाली चीज़ों से लोग वहाँ के मतलब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। बिल्कुल, तो हमने आम जनता से बात की इस मुद्दे को लेकर, और आम जनता का यही कहना है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट बाजी हो सकता है, क्योंकि 370 के हटने के बाद से वहाँ पर शांति है, वहाँ पर डेवलपमेंट भी हुए हैं और लगातार सरकार काम भी कर रही है, और ऐसे बयान देना कतई जैसे जनता के तौर पर, जैसे हमने जनता से बात की तो जनता ने भी यही कहा है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट बाजी हो सकती है, ऐसा वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन है। तमाम बाकी के खबरों के लिए आप रतम के साथ जुड़े, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक, नमस्कार।